हेलो, तो हो चुकी है ये मॉर्निंग और अब हम करेंगे फर्स्ट स्टेप मेरा डेली रूटीन का, जो है योगा। ये टेबल सलाह पे होगा मुगल, लोग। पापड़, खीर वगैरह पूरी ये ले जा रही है। और ये मैंने कहा दूध की थैली एक ही होगा पापड़ भाई, नहीं आता। दूध की थैली कौन? कच्चा दूध पीना चाहती हूँ। तो अभी हमारा है थर्ड, जिसके अंदर हम कर लेते हैं आइस, जो भी बोलते हैं। ये है हमारा फोर्थ स्टेप, हम इसको कर लेते हैं बिकॉज मेरा बहुत फिर से अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन ये सूखने तक 30 मिनट का वेट करते हैं जब तक हम चला लेते हैं। शर्म आ गई। ये हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा और है, 5-10 मिनट और रख देते तब तक फोन चलाऊंगी। हेलो हेलो, तो ये ऑल ओवर हो चुका है ड्राई, अब इसको खाड़ लेते हैं। तो हमने मास्क तो अप्लाई कर चुके थे और अब इसको वॉश भी कर लिया है, अब हम टोनर लगा देते। तो मैंने टोनर की जगह मैं एक गुलाब जल यूज कर रही हूँ, फ्रेश। और अब मैं लेके आई थी ये सीरम फेस मास्क अब ये लगाओगे, शीट, अब लगाओगे जो आप अब हम इसको लगा लेते ही, अब तो हैं। आप। चलो तो ये अब हमारे कोकोनट आ चुका है, अब हम इसको पी लेंगे और आराम से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और ये जो हमने सीरम मास्क अप्लाई किया था, उसकी वजह से मेरी स्किन इट्स वेरी सॉफ्ट एंड पंपिंग फ्रेशनेस। तो ये था मेरा डेली रूटीन, तो नहीं है मतलब कि वीक में एक बार तो होता ही है। जहाँ जाती हूँ मैं पार्लर वहीं खोल देती हूँ। पार्लर तो नहीं, मिनी पार्लर होगा मेरा। तो मुझे चाहिए था पेडिक्योर बिकॉज मेरे पैर ना बहुत ऐसे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। तो ये मैंने मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाया था जिसमें आया था, और ये सारे उसके टूल्स है, और एक ये टूल है। तो ये सारे टूल्स इतने हैं, और ये है जो अभी मैं नेल्स इसको क्लीन कर रही हूँ, और ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पैरों को डीप कर रखा है। और ये मैंने बना रखा है इसका क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलता है आई डोंट माइंड, बट क्लीन हो जाएगा। हेलो, तो हेलो हेलो हेलो, तो मुझे याद आ चुका है, ये है पैक जो मैंने है, ये कॉफ़ी है, और इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा ये अच्छा सा स्वीट सा पैक बन चुका है। अब स्वीट तो है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज मैंने कर लिए हैं मेरे पैरों को अच्छे से क्लीन और
जितने भी टूल्स थे मैंने इनको कर लिए हैं यूज़, और ये जो मेरे नेल्स के अंदर थे कुछ डटी सी चीज़ें जो मैंने है कर दी है इसको क्लीन। ओके ये थी देखो अभी बच गई है, लेकिन अब ऑल ओवर मैंने कर लिया है। अब ये जो मैं जाती हूँ वहाँ दौड़ करने के लिए, तो मैं पागल हूँ कि स्लीपर पहन के चली गई, उसकी वजह से ये हो चुके हैं मेरे पैरों में, लेकिन कोई ना। तो ये हो चुके हैं मेरे पैर क्लीन एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। अब ये तो आपको पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। फिर से हम पड़ गए और सोने की कगार पे आ गए, क्योंकि हम बहुत थके थके हैं। और ये मेरे फोन को ऑयल लग चुका है और ये क्लीन हो गया, कुछ ज्यादा नहीं लग गया। अब बोल 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 बोलने से मैं दांत दिखते पहले मेरे भी दांत ऐसे ही थे इसकी जैसे ओपनली ओपनली, पर अब देखो चिपकी चिपकी। तो हम जा रहे हैं कहाँ? जो पार्टी प्रभु की बगिया स्पाइड। तेरे से तो पूछा ही नहीं पानी पूरी खा पा रही है, घूमने के लिए जा रहा है। तो मैं माँ बेटिया खा के वेर फिर वापिस आएंगे, बस ये योगा करेंगे बस। वेरी गुड। ये जा रहा है इधर मेरे प्लॉट का रास्ता, जहाँ पे हम किसी दिन बनाएंगे। हम आ तो गए हमारी मंजिल तक जहाँ हमको आना था पानी पूरी पेट भराई करने के लिए, और रास्ते में हमको प्यास लगी है। तो ये है जल मंदिर, नाश्री साई जल मंदिर। तो हम यहाँ पानी पी लेते। और ये बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बंगलों के साथ में ये बड़े बड़े दांत वाले मेरी सिस्टर और अब हम पानी पी लेते हैं। तो कृपया करके बता तो खट्टा पानी है भाई। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पानी पूरी खाने के लिए। अब चाहे सब देखो चाहे मत देखो हमको नहीं पता, पर हम तो यही खाएंगे पानी पूरी। और इतने सारे लोग लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम वेरी हैप्पी टू हैव तो ये हमारी मदर बेटी है, क्या करें अभी तक बने ही नहीं उनके लिए। वेट मत करें, आ रही मम्मी रोइए मत। अब जाके रोड पे बैठ जाओ। हाँ।